हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, ये मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। तो आज का मेरा रेसिपी है मूंग दाल का चीला, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी ही बन जाता है। ये बच्चे और बड़े सबको पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग दाल का चीला बनाना। चीला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मूंग दाल। इसे हमें अच्छे से धो के सोख करना है। ये देखिए, मैंने धो लिया है। अभी इसे मैं 1 घंटे के लिए सोख करूँगी। जब तक हमारा मूंग दाल सोख हो जाए, हम तब तक लहसुन की चटनी की तैयारी कर लेंगे। मूंग दाल के साथ ये अच्छा लगता है। और इस चटनी की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। एक घंटा हो गया है फ्रेंड्स, और हमारा मूंग दाल अच्छे से फूल गया है। अभी हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये मैंने मूंग दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक, एक हरी मिर्च। अभी इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने स्मूथ बटर बना दिया है। इसका बैटर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, एक चुटकी हींग। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमें इतना ही पतला करना है। इससे ज़्यादा पतला करने से हमारा जो चीला है वो चिपकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ एक लोहे का तवा गरम किया हुआ है और यहाँ थोड़ी सी ऑयल लगा रही हूँ। अभी हम इसमें बैटर डालेंगे। जब भी हम बैटर डाल रहे हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। मेरा तवा जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया है, आप देख सकते हो। और बैटर को फैला रही हूँ। अभी थोड़े से तेल दे दूँगी चारों तरफ और इसे ढक के 1 मिनट के लिए फिर चेक करनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसे मैं ऐसे ही पलट दूंगी। ये चीला बन के रेडी है फ्रेंड्स। इसी तरह हमें बाकी भी चीला बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, मूंग दाल के चीले में सरसों का तेल का टेस्ट अलग आता है, इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने दूसरा चीला भी डाल दिया। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखनी है कि हम जब भी बैटर डाल रहे हैं, तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये दूसरा वाला भी हो गया है। आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये बहुत अच्छे से हो रहा है और बिल्कुल परफेक्ट चीला बना है। फ्रेंड्स, जब भी आपको तवा ज़्यादा गर्म लगे, आपको ऐसे ही तवा को उठा देना है और फिर ऊपर बैटर डालनी है और वापस फ्लेम में रख देनी है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। हमारा चीला बन के रेडी है फ्रेंड्स। अभी हम इसे लहसुन की चटनी के साथ सर्व करते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लहसुन की चटनी के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अगर बच्चों को दे रहे हो ये चीला, तो आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हो।
चलिए अब हम टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। ये मैं सॉस भी ली हूँ और थोड़े से लहसुन की चटनी भी ली हूँ, क्योंकि लहसुन की चटनी ज़्यादा तीखा है, तीखा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। ये बहुत ही टेस्टी बना है, परफेक्टली बना है, परफेक्टली सीख गया है, इतना क्रंची भी नहीं है, सॉफ्ट बना है और ये सॉफ्ट ही अच्छा लगता है क्योंकि ये चीला है। मैं इसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। आप भी इसे घर में ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक लिखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।